नमस्कार, मैं सबसे पहले अरुणाचल के सभी जनताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जनता कर्फ्यू में आप सब लोग एकजुट होकर सरकार का साथ दिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जंग तो अभी शुरू हुआ है। जिस रफ्तार से कोरोना वायरस पूरे विश्व भर में फैल रहा है, इसको रोकने के लिए और अरुणाचल को बचाने के लिए सरकार ने फैसला लिया कि आज शाम ठीक 5 बजे से लेके 31 मार्च तक हमारा अरुणाचल प्रदेश को लॉकडाउन किया जाएगा। ये फैसला हमारे अरुणाचल के जनता को कोरोना वायरस के खिलाफ बचाने के लिए हम लोग ने निर्णय लिया है। इस लॉकडाउन प्रोसेस में खास करके हमारा जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम लोग रोक लगाएंगे, और जितने भी नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो गया, ऑफिस हो गया, फैक्ट्री हो गया, और जितने भी जो वर्कशॉप हैं उन सभी को बंद किया जाएगा। इस लॉकडाउन प्रोसेस में मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। जितने भी हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जैसे राशन आइटम हो गया, हमारे सब्जी आइटम हो गया, इसके अलावा हमारे जितने भी जो पेट्रोल पंप्स है, एसेंशियल कमोडिटीज़ का सर्विसेज पूरा सर्विस आप लोगों को दिया जाएगा। हमारा मेडिकल फैसिलिटी, फार्मेसी, ये पूरा दुकान सारा खुला रहेंगे। इसलिए हमारा जनता को ये मैं निवेदन करता हूँ कि इसमें आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं होना है। पेट्रोल पंप्स में ओवर भीड़, ओवर रश बिल्कुल नहीं करना है। राशन दुकानों में जाके ज़्यादा भीड़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सब दुकानें तो हमेशा खुला ही रहेंगे। साथ ही साथ मैं आप सबको ये निवेदन करता हूँ कि हमारा इस जो आने वाला 2 हफ्ता है, ये हम सब के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। इसीलिए खास करके सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, और हम लोगों को किसी भी तरह से मास गैदरिंग या सोशल इवेंट्स हम लोगों को ऑर्गेनाइज बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप किसी चीज़ को छूते हैं या कोई सामान को छूते हैं, तो आप लोग इंश्योर करना है कि आपका हाथ अच्छी तरह से साबुन के साथ आप लोग धोए। और बीच बीच में मैं फिर दोबारा आप लोगों का संपर्क में बने रहेंगे, और कुछ भी चीज़ का यदि आप लोगों को क्वेरी करना है तो मेरा फेसबुक पेज में स्टेट कंट्रोल रूम का नंबर दिया गया है, उसमें आप लोग फ़ोन करके जो भी क्वेरीज जो पूछना है वहाँ पर पूछ सकते हैं। टीम अरुणाचल के हिसाब से हम सब मिल के इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग हम सबको लड़ना है और जीत के भी दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल।